तो लास्ट टाइम मैंने आपको जो करवाया था उसमें हम लोगों ने किया था इक्विवेलेंट ऑफ टू स्टेटमेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट और केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट. और हमारी जो क्लॉसियस केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट वो क्या कहती थी, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच कैन ट्रांसफर हीट फ्रॉम लो विच कैन इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच कन्वर्ट 100% हीट इनटू 100% वर्क. दिस इज द क्लॉसियस केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट. एंड we cannot produce any engine or any device which is 100% efficient. Or second statement, our Clausius statement. Or according to that, we cannot produce a device which can transfer heat from low temperature reservoir to high temperature reservoir without any external effect. So basically, जो ये दो statement है, दोनों क्या है, equivalent है. और एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें ये क्वेश्चन आता है कि पहले दो स्टेटमेंट के बारे में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, या फिर इक्विवेलेंसी ऑफ टू स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा. अब एक क्वेश्चन है और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आज क्लास में आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ. This is Carnot cycle. तो Carnot cycle मैंने आपको बताया भी था कि Carnot cycle का एक hypothetical cycle है जो सेटी Carnot ने डिजाइन किया था. और ये इतना important क्यों है, क्योंकि ये first cycle था जो propose किया गया था. Although it is an impossible cycle, but ये first cycle था जो propose किया गया था. So this cycle is an ideal hypothetical cycle. Hypothetical मतलब कहते हैं जिसको assume किया गया था. In which all the process constitute a cycle are reversible. जिसमें जितने भी उसके प्रोसेस हैं वो क्या reversible है. और आपको मालूम है प्रैक्टिकल भी कोई भी प्रोसेस है वो रिवर्सिबल नहीं होता. सो Carnot cycle is basically a reversible cycle for a stationary system like piston cylinder arrangement. The cylinder consists of following 4 successive process. तो एक Carnot cycle में जो 4 process होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो 4 reversible होते हैं और 2 process adiabatic होते हैं और 2 process isothermal होते हैं. ये एक एक उसका अरेंजमेंट है. दिस इज अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट. हेयर दिस इज सोर्स T1 या TH और उसके बाद ये एक सोर्स हो गया जो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है. ये एक पिस्टन हो गया, सिलेंडर हो गया, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट जो इंसुलेटेड है. और ये सिंक है जिसके ऊपर हम लोग हीट रिजेक्ट करते हैं. अब 2 कवर है, एक एडियाबेटिक कवर है और एक डायथर्मिक कवर है. एडियाबेटिक कवर का मतलब क्या होता है, जो हीट के ट्रांसफर को रोकता है. और डायथर्मिक कवर क्या होता है, जो अपने अंदर से हीट को ट्रांसफर होने देगा. ये सिस्टम है, इसको हमने इंसुलेट किया हुआ है. ये पिस्टन है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है. जब ये बाहर की तरफ जाएगा तो एक्सपेंशन होगा तो एक्सपेंशन वर्क, जब ये अंदर की तरफ जाएगा तो कंप्रेशन वर्क होगा. एक्सपेंशन वर्क इज पॉजिटिव और कंप्रेशन वर्क इज नेगेटिव. नाउ हाउ इट वर्क्स, जब सोर्स सबसे पहले क्या होगा, हमने क्या इसके ऊपर डायथर्मिक कवर लगा दिया. अब डायथर्मिक कवर लगाएंगे तो क्या होगा, इस सोर्स से यहाँ पर हीट ट्रांसफर होगी और जो हीट ट्रांसफर होगी वो होगी Q1. अब इस हीट ट्रांसफर से क्या होगा, बिकॉज हम हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, इट्स अ कांस्टेंट थर्मल प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस. तो इस प्रोसेस में जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. और एक चीज याद रखना, जो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस होता है इट इज वेरी स्लो प्रोसेस. तो जो वेरी स्लो प्रोसेस होता है उसकी प्रॉब्लम क्या है कि इसको एग्जीक्यूट करने के लिए टाइम बहुत चाहिए. तो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द Carnot cycle की 2 प्रोसेस जो है बहुत स्लो है और 2 प्रोसेस कंपेरेटिवली फास्ट है. ओके नो, तो सबसे पहले क्या हुआ, हमने डायथर्मिक कवर लगा दिया. डायथर्मिक कवर लगाने के बाद आइसोथर्मली यानी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे क्या होगा, हीट का एडिशन होगा. अब जैसे कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे हीट का एडिशन होगा इसमें एक्सपेंशन होगी और ये पिस्टन क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा. क्यों करेगा, डायथर्मिक कवर है, इसमें हीट ट्रांसफर हो रही है. हीट ट्रांसफर होगी तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी तो इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगी और बाकी बची हुई जो एनर्जी है, हीट है, वो वर्क की फॉर्म में कन्वर्ट होगी और इसको क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा.
तो जब ये प्रोसेस हो जाएगा तो क्या करेंगे, वी विल चेंज दिस डायथर्मिक कवर विद द एडियाबेटिक कवर. जैसे हम दोनों को इंटरचेंज कर देंगे तो इंटरचेंज करने के बाद अब इसके ऊपर एडियाबेटिक कवर आ गया. नाउ यू कैन सी दैट हमने क्या किया, इस एडियाबेटिक कवर को यहां पर लगा दिया, ठीक है, और जो ये कवर था इसको हमने क्या किया, यहाँ पर शिफ्ट कर दिया. हमने बेसिकली दोनों को इंटरचेंज कर दिया आपस में. अब इंटरचेंज करने के बाद क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पे डायथर्मिक कवर आ गया, एडियाबेटिक कवर आ गया, अब कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगी, पर जो इसके अंदर लाइक आइसोथर्मल प्रोसेस में जो एनर्जी स्टोर हुई है वो क्या करेगी, अब वो पिस्टन को एक्सपेंड करेगी. यानी हम कोई हीट नहीं दे रहे हैं, पर जो इसके अंदर की स्टोर एनर्जी है दैट विल बी नाउ कन्वर्टेड इनटू द वर्क, और ये फर्दर एक्सपेंड करेगा. तो जो वर्क हमें मिलेगा आइसोथर्मल प्रोसेस में उसे बोलेंगे वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, और जो वर्क हमें मिलेगा एडियाबेटिक प्रोसेस में उसे बोलेंगे वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस. अब एक्सपेंशन हो गया, एक्सपेंशन होने के बाद क्या हुआ, जो पिस्टन था हमारा वो यहां पर आ गया. नाउ दिस इज द फाइनल कंडीशन, दिस इज टू टू, अगर ये जो कंडीशन थी ये हमारी इनिशियल कंडीशन थी, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे 1-1 कंडीशन. ये हमारी इनिशियल कंडीशन थी, ये हमारी 1-1 कंडीशन थी, और ये हमारी सेकंड कंडीशन है, ठीक है. अब इसमें क्या हुआ, पहले तो पिस्टन यहां तक आया और फिर पिस्टन यहां पर आया, दो स्टेप्स में आया. तो दिस एक्सपेंशन इज नोन एज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और दिस एक्सपेंशन इज नोन एज एडियाबेटिक एक्सपेंशन. अब उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर दैट व्हाट हैपन कि जैसे ये पिस्टन अपनी सेकंड पोजीशन पे आया, हमने वापस क्या किया, इस कवर को इंटरचेंज कर दिया. अब क्या हुआ, वापस ये कवर अपनी पोजीशन के ऊपर आ गया. नाउ दिस कवर, अब जैसे ये कवर लगाया तो क्या होगा, यहां से हीट ट्रांसफर होगी, और हीट ट्रांसफर कहाँ होगी, लो टेम्परेचर रिजर्वायर में, सिंक में. तो जब हीट ट्रांसफर होगी तो क्या होगा, सिस्टम के ऊपर वर्क होगा, और जो पिस्टन है वो मूव करके यहां से मूव करेगा, और पिस्टन मूव करके यहां पर आ गया, इन बिटवीन पोजीशन पे आ गया. फिर उसके बाद अगेन क्या किया हमने, फिर वापस डायथर्मिक हमने इसके ऊपर कवर लगा दिया, एडियाबेटिक कवर. अब जैसे इसको तो हमने यहां लगा दिया, इस कवर को, ये कवर, ये कवर हमने यहां लगा दिए, मतलब पहले हमारे पास डायथर्मिक कवर था, अब हमारे पास एडियाबेटिक कवर है. अब जैसे एडियाबेटिक कवर आएगा तो कोई ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं होगा, पर अगेन इस ड्यूरिंग दिस इसने कुछ हीट रिजेक्ट करी थी, तो जो हम वर्क कर रहे हैं वो वर्क यहाँ पर से हो जाएगा एज ए फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्नोट साइकिल बोलते हैं. तो मैंने आपको चार प्रोसेस बताए थे, वो चारों प्रोसेस कौन से थे, अब हम उसकी डिटेल में मैं डिस्कस करता हूं मैं आपके साथ. नाउ ए रिवर्सिबल आइसोथर्मल, ये हमारा पहला प्रोसेस था. इस प्रोसेस में हमने कौन सा कवर लगा रखा था, इस प्रोसेस में जो हमने कवर लगा रखा था वो था हमारा डायथर्मिक कवर. हीट का ट्रांसफर हुआ तो क्या कहता है, Q1 इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू. तो Q1 क्या है, इट इज द हीट इंटरेक्शन. DU क्या है, चेंज इन हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी. और W क्या है, चेंज इन वर्क डन. और हम जानते हैं कि जो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस होता है ना, उस पे जो हमारा वर्क U1 और U2 ये दोनों सेम रहेंगे फॉर आइडियल गैस. सो इसका मतलब जो हम इसको हीट दे रहे हैं बेसिकली वो वर्क में कन्वर्ट हो रही है, राइट. सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस Q1 इज इक्वल टू W1 टू W2. दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस. सेकंड प्रोसेस क्या था, हमने एडियाबेटिक कवर की जगह पे क्या लगा दिया, उसकी जगह पे हमने लगाया ये डायथर्मिक कवर को चेंज कर दिया हमने किसके साथ, उसको हमने चेंज कर दिया एडियाबेटिक कवर के साथ. नाउ दिस कवर हैज कम टू दिस पोजिशन. अब जैसे ये कवर आया तो क्या हुआ, दिस प्रोसेस बिकम रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, वेयर डायथर्मिक कवर ए इज रिप्लेस बाय एडियाबेटिक कवर बी, और वर्क इज डन एडियाबेटिकली. सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अगर हम अगेन लिखें तो क्यू इज इक्वल टू, क्या हमारी इक्वेशन बनेगी,
जो हमारी इक्वेशन होती है वो होती है क्यू डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब एडियाबेटिक में क्या होता है, जो क्यू की वैल्यू होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। इसका मतलब डी यू क्या है, डी यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। सो यू थ्री माइनस यू टू, यू थ्री माइनस यू टू क्या, बेसिकली चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस दैट विल बी इक्वल टू डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू थ्री। ओके, नाउ कम टू थर्ड प्रोसेस। अब थर्ड प्रोसेस में क्या हुआ, नाउ थर्ड प्रोसेस में हमने वापस इस एडियाबेटिक कवर बी को चेंज कर दिया डायथर्मिक कवर के साथ। और जैसे कवर को चेंज किया, नहीं सॉरी, एडियाबेटिक कवर को चेंज किया डायथर्मिक कवर के साथ। पहले था हमारा डायथर्मिक कवर ए, फिर आया एडियाबेटिक कवर बी, अब आया डायथर्मिक कवर ए। ये हमारा थर्ड प्रोसेस है। सो इस प्रोसेस में क्या है, दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि डायथर्मिक कवर है ये अपने अंदर से हीट को ट्रांसफर होने दे रहे हैं। सो दिस इज अ डायथर्मिक कवर। तो इन दिस प्रोसेस एडियाबेटिक कवर बी इज रिप्लेस्ड बाय डायथर्मिक कवर ए, और इसमें क्या हुआ, Q2 अमाउंट ऑफ हीट डिस्चार्ज हुई, और जो हीट डिस्चार्ज होती है उसको हम लोग माइनस देते हैं, माइनस क्यू टू इज इक्वल टू डी यू। डी यू क्या होगा, डी फोर माइनस यू फोर माइनस यू थ्री, और जो वर्क हो रहा है वो सिस्टम के ऊपर हो रहा है तो वो भी क्या होगा, माइनस होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं Q2 की और W की वैल्यू। सो दिस इज आवर थर्ड प्रोसेस। तो फर्स्ट प्रोसेस हमारा था एडियाबेटिक, सॉरी आइसोथर्मल, आइसोथर्मल, दूसरा था एडियाबेटिक, तीसरा था आइसोथर्मल, और चौथा हमारा प्रोसेस है अगेन एडियाबेटिक प्रोसेस। और एडियाबेटिक प्रोसेस में हमने क्या किया, इस डायथर्मिक कवर को रिप्लेस कर दिया एडियाबेटिक कवर के साथ। तो जैसे ही आपने इस कवर को रिप्लेस किया, कवर को रिप्लेस करने के बाद क्या होगा, कवर को रिप्लेस जैसे ही आपने किया, नाउ व्हाट विल हैपन, ये हमारा एडियाबेटिक बन गया प्रोसेस। और अगर हमने वही अगेन हमने वो अप्लाई कर दिया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सो क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डब्ल्यू, और क्यू जीरो था, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी यू वन माइनस यू फोर, और दिस इज बिकॉज वर्क सिस्टम के ऊपर हो रहा है तो माइनस डब्ल्यू फोर टू वन। हाँ, एक चीज जरूर बताऊंगा आपको, हमारा जो ये प्रोसेस था ये वाला, तो जो ये प्रोसेस है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, नाउ दिस इज आवर फर्स्ट प्रोसेस, इसको हम लिख सकते हैं वन टू टू, ये हमारा सेकेंड प्रोसेस है, इसको हम लिख सकते हैं टू टू थ्री, इसको थ्री टू फोर, राइट। और उसके बाद जो हमारा प्रोसेस लास्ट वाला प्रोसेस है ये वाला, ये वन टू टू, टू टू थ्री, थ्री टू फोर, लास्ट वाला हमारा प्रोसेस है फोर टू वन। सो इस तरीके से हम यहाँ पे इसकी नोटेशन दे सकते हैं, ऐसे ही हमारा बन गया फोर टू वन प्रोसेस। अब आप सब जानते हैं कि अगर जो साइकिल के लिए, अगर हम किसी साइकिल के लिए फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ द क्यू इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डब्ल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि साइकिल में जो हीट इंटरेक्शन दैट विल बी इक्वल टू वर्क इंटरेक्शन। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने हीट सप्लाई करी Q1 जो हीट दी वो क्या है, वो तो होगी प्लस, और Q2 हीट रिजेक्ट हो रही है वो क्या है, माइनस। तो Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू जो 1 से लेकर 2 वर्क था वो क्या था, एक्सपेंशन वर्क था। 2 से लेकर 3 क्या था, एक्सपेंशन, दोनों क्या है, पॉजिटिव। माइनस 3 टू 4 वर्क क्या है, नेगेटिव, बिकॉज़ इट इज अ कंप्रेशन वर्क, और 4 टू 1 भी क्या है, कंप्रेशन वर्क। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू W1 2 प्लस W2 2 3 माइनस W3 माइनस 4 प्लस W4 माइनस 1। सो दिस इज द हीट इंटरेक्शन एंड वर्क इंटरेक्शन इन अ साइकिल, इन कार्नोट साइकिल। नाउ दिस इज द PV डायग्राम, यू कैन सी ओवर हियर इन द PV डायग्राम, यू कैन सी this is a vertical axis, this is the horizontal axis, and how you can draw this diagram, this is the reversible isothermal process 1 to 2.
आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या था कि जो कवर था वो कौन सा था, डायथर्मिक कवर, यहाँ पे कवर होगा डायथर्मिक कवर। हियर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब क्या है, प्रेशर इज इंक्रीजिंग, प्रेशर इज डिक्रीजिंग, तो यू कैन सी हियर प्रेशर इज डिक्रीजिंग, पी वन इज हाई प्रेशर और पी टू इज लो प्रेशर और वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, सो वी वन इज लेस और वी टू इज हाई। देन आफ्टर दैट हमने क्या किया, हमने जो हमारा था वो था डायथर्मिक कवर था, उसको एडियाबेटिक कवर से चेंज कर दिया एंड नाउ प्रोसेस बिकम योर एडियाबेटिक प्रोसेस। सो प्रोसेस दिस वन, दिस प्रोसेस इज योर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस और जहां पर दोनों पॉइंट कट करते हैं, दिस दिस प्रोसेस इज टू और दिस प्रोसेस इज थ्री और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एंड जो हमारा वर्क है वो क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, सॉरी जो हमारा हमें एक्सपेंशन वर्क मिल रहा है। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इसमें हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं और वर्क जो मिल रहा है वो कौन सा, एक्सपेंशन वर्क मिल रहा है और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ये यहाँ पे डब्ल्यू ब्लू कलर का मतलब क्या, हीट हमने दी और रेड कलर का मतलब हो गया हमें एक्सपेंशन वर्क मिला और यहाँ पर भी हमें एक्सपेंशन वर्क मिल रहा है पर कोई हीट इंटरेक्शन नहीं है। उसके बाद यहाँ पर वर्क इंटरेक्शन और ये होगी हीट इंटरेक्शन। और जो हम ये वैल्यू लेंगे इसको क्या लेंगे, नेगेटिव, क्यों, जो हीट इंटरेक्शन है उसको नेगेटिव लेंगे और डब्ल्यू इंटरेक्शन को नेगेटिव, क्योंकि हीट रिजेक्ट हो रही है सिस्टम से तो नेगेटिव और सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है तो वो भी नेगेटिव है। और ड्यूरिंग डब्ल्यू डब्ल्यू पी इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, इस प्रोसेस में भी सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है तो सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है इस तरीके से वो भी नेगेटिव है और हीट इंटरेक्शन कोई होगी नहीं। सो क्यू वन माइनस क्यू टू दिस मच इज इक्वल टू डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू माइनस, ये दोनों प्लस होंगे और ये वैल्यू दोनों क्या होंगी, ये माइनस में होंगी। तो दिस इज द साइक्लिक, दिस इज द पीवी डायग्राम फॉर द, इट इज पीवी डायग्राम फॉर द कार्नोट साइकिल। एग्जाम में पता है वो क्या क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन पांच का आएगा या आठ का आएगा, ड्राइव द रिलेशन डेरिवेशन फॉर एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। अब आगे चलते हैं, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और आपको ये यहाँ पर सॉल्व करके दिखाना होगा। ओके, नाउ कार्नोट हीट इंजन स्टडी फ्लो, तो ये स्टडी फ्लो के लिए, स्टडी फ्लो के लिए भी, स्टडी फ्लो में क्या होता है कि जहां पर मास चेंज होता है, यहाँ पर ये सोर्स है जहां से हीट आ रही है और ये एक टर्बाइन है जिसमें हीट एक्सचेंज हो रही है, हीट एक्सचेंजर है, उसके बाद ये हीट इसके अंदर से फ्लो कर रही है और यहाँ हीट एक्सचेंजर में हीट हम रिजेक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज अगेन ए एग्जाम्पल ऑफ द कार्नोट साइकिल फॉर, कार्नोट साइकिल फॉर अ स्टडी फ्लो सिस्टम। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा पांच मार्क्स का, आपने सिर्फ यहीं तक एक्सप्लेन करना है इसको। आई होप नाउ इट इज क्लियर। नाउ वी मूव टू रिवर्स हीट इंजन, रिवर्स हीट इंजन मैंने आपको बता ही चुका हूं मैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता ही आता है, उसको हम लोग बोलते हैं कार्नोट थ्योरम। जो थ्योरम कार्नोट के प्रिंसिपल बनी है, क्या कहता है ये, इट स्टेट दैट ऑल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन गिवन टेम्परेचर सोर्स, लाइक दिस इज द गिवन टेम्परेचर सोर्स, दिस इज द सोर्स और दिस इज सिंक, अगर इसके बीच में एन नंबर ऑफ इंजन काम कर रहे हैं तो जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी वो किसकी होगी, वो कार्नोट साइकिल की होगी, रिवर्सिबल इंजन की होगी और बाकी जितने सिस्टम है, जितने भी इंजन है, उन सब की एफिशिएंसी कार्नोट से कम होगी, इसीलिए दिस इज अ कार्नोट थ्योरम। तो एफिशिएंसी भी क्या होती है, एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क डन अपॉन हीट। तो अगर वर्क डन ज्यादा है, दोनों की हीट इनपुट तो क्या है, सेम है, देखो यहाँ पर दोनों की इनपुट रहेगी सेम, बट वर्क क्या है, दोनों का डिफरेंट है, तो जिसका वर्क ज्यादा होगा उसकी एफिशिएंसी भी क्या ज्यादा होगी। अब यहाँ पर डब्ल्यू ए यानी वर्क इन द वर्क प्रोड्यूस बाय साइकिल ए, बिकॉज इट इज ऑन कार्नोट साइकिल इट इज मैक्सिमम, इसकी एफिशिएंसी भी क्या होगी, डब्ल्यू ए की मैक्सिमम होगी। हाँ, अगर ये दोनों रिवर्सिबल, अगर ये दोनों रिवर्सिबल होंगे तो दोनों की इक्वेशन क्या होगी, सेम होगी। ओके, दिस इज द कार्नोट थ्योरम और ये एग्जाम में आता है। नाउ इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कॉलरी ऑफ द कार्नोट थ्योरम, जैसे हमारी कॉलरी ऑफ फर्स्ट थ्योरम थी वैसे कॉलरी ऑफ कार्नोट थ्योरम भी है। द एफिशिएंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लेवल इज सेम,
अगर मान लो कि दो टेम्परेचर रिजर्वायर है, सोर्स और सिंक, जैसे यहां पर था, इसके बीच में अगर एन नंबर ऑफ इंजन्स भी है और दोनों अगर वो सारे रिवर्सिबल हैं, तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी? इक्वल होगी. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल. नाउ व्हाट इज फर्स्ट, सॉरी, ये फर्स्ट हमारी क्या है, कॉलरी ऑफ कार्नोट थ्योरम की. सो बोथ द हीट इंजन ई ए एंड ई बी, 6.25 फिगर है इस फिगर में. अगर आप ये फिगर देखो, इस फिगर में जो इंजन है, ये इन दोनों के बीच में वर्क कर रहा है, सोर्स और सिंक के बीच में. और दोनों कैसे इंजन है, दोनों रिवर्सिबल इंजन है. तो अगर दोनों रिवर्सिबल इंजन है तो दोनों का वर्कडन भी सेम होगा. अगर दोनों का वर्कडन सेम है तो दोनों की एफिशिएंसी भी क्या है, सेम होगी. सो नाउ यहां हम लोग देखते हैं, इफ बोथ द हीट इंजन ई ए एंड ई बी आर रिवर्सिबल, लेट अज्यूम एफिशिएंसी ऑफ ए इज हायर देन एफिशिएंसी ऑफ बी. हमने अज्यूम कर लिया. उसके बाद If EB is, अच्छा, अब अगर मान लो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो एज ए सिमिलर टू प्रोसीजर आउटलाइन इन द प्रीसीडिंग आर्टिकल, इफ EB इज द रिवाइज टू रन से एज ए हीट पंप, हमने क्या किया, जो ये जो सिस्टम था इसको हमने क्या किया, रिवर्स कर दिया और रिवर्स करके हीट पंप बना दिया. अब हीट पंप बनाने के बाद क्या हुआ, ये Q1A अमाउंट ऑफ हीट ली, इसको वर्क में कन्वर्ट किया, और वर्क कन्वर्ट करने के बाद जो बची हुई अमाउंट ऑफ हीट थी वो हमने एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट कर दी. और ये वर्क यूज कर रहे हैं इसको ड्राइव करने के लिए, और जो ड्राइव करेंगे तो यहाँ से इसने क्या किया, हीट पंप की तरह काम कर रहे हैं. जब ये हीट पंप की तरह काम करेगा तो नीचे से हीट तो ले रहा है और ऊपर की तरफ हीट जा रही है. जब ये ऊपर की तरफ हीट जा रही है तो ये हीट पंप की तरह काम कर रहा है. अब क्योंकि हमने ये अज्यूम किया था कि एफिशिएंसी ए इज हायर देन एफिशिएंसी बी, अगर ये ऐसा है तो एज ए हीट पंप यूजिंग सम पार्ट ऑफ, इसका मतलब जो हीट पंप है वो कुछ अमाउंट ऑफ वर्क ले रहा है किससे, जो हमारा इंजन ए है. तो इससे क्या मालूम पड़ा कि ये देखो, ये हमारा प्रोसेस था, इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया. Q1A था Q1 के इक्वल था, और Q1 के इक्वल है, यानी जितनी हीट यहाँ आ रही है उतनी हीट इसको दे रहे हैं. हमने क्या किया, इसको रिमूव कर दिया. और इंजन ई ए, ये Q2 अमाउंट ऑफ हीट नीचे इसमें सिंक में दे रहा है, और ये Q2 अमाउंट ऑफ हीट इंजन से ले रहा है या सिंक से ले रहा है. तो जितना वर्क ये कर रहा है उस वर्क का कुछ अमाउंट ऑफ वर्क यहाँ पे जा रहा है, तो नेटवर्क कितना प्रोड्यूस हो गया, WA - WD. अब वी कैन सी दैट इस अरेंजमेंट से हमें क्या मालूम पड़ा, ये कंबाइंड सिस्टम एक हीट पंप की तरह बात कर रहा है. और हीट पंप की तरह जब ये काम कर रहा है तो हीट पंप की एक वो होती है, हीट पंप जो है कभी भी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में वर्क सप्लाई तब करेगा जब हम एक्सटर्नल वर्क देंगे, और यहाँ पे वर्क हमें मिल रहा है, इसका मतलब ये प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है. इसीलिए दिस इज इम्पॉसिबल साइकिल, और इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी इससे ज्यादा नहीं हो सकती. तो दोनों की एफिशिएंसी क्या होगी, बराबर होगी. एफिशिएंसी ए कैन नॉट बी ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ बी साइकिल. सिमिलरली इफ वी अज्यूम एफिशिएंसी बी ग्रेटर देन एफिशिएंसी ए, तो सेम रिजल्ट आएगा. इससे ये प्रूफ होता है कि अगर मान लो दो रिजर्वायर है, थर्मल रिजर्वायर सोर्स और सिंक, उसके बीच में अगर एन नंबर ऑफ रिजर्वायर काम कर रहे हैं, इंजन काम कर रहे हैं, और सब रिवर्सिबल है, तो सबकी एफिशिएंसी क्या होगी, बराबर होगी. समटाइम एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट यू मीन बाय कॉलरी ऑफ द कार्नोट थ्योरम, उसमें आपने एक्सप्लेन करना है. नाउ सेकंड है एब्सोल्यूट थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल. मैंने आपको बताया था, एक होता है एब्सोल्यूट थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल जो हम केल्विन में मेजर करते हैं, और वो स्केल कहाँ से आया है, वो स्केल भी इसी से आया है. कैसे आया, एफिशिएंसी ऑफ इंजन क्या होता है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू डब्ल्यू नेट अपॉन Q1, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1. और हम समझते हैं कि Q2 अपॉन Q1 भी फर्दर डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर. इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी एफिशिएंसी है वो भी T1 और T2 टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है. तो T1 टेम्परेचर सोर्स का है, T2 टेम्परेचर सिंक का है. सो इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारी एफिशिएंसी है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है. और इस बेसिस के ऊपर हमने क्या बनाया, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ T1 एंड T2. ये दोनों इक्वल हो गया,
सो Q1 और Q2 भी क्या है, टेम्परेचर के फंक्शन हो गए. इफ सम फंक्शनल रिलेशनशिप इज असाइंड बिटवीन T1 एंड T2 एंड Q1 बाय Q2 द इक्वेशन बिकम डेफिनेशन ऑफ इट टेम्परेचर स्केल. हम क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन को हम एक टेम्परेचर स्केल के लिए यूज कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज फॉर्म द बेसिस फॉर एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, और जिसको हम लोग बोलते हैं केल्विन. ओके जी, नाउ नेक्स्ट, नाउ दिस इज लेट अस कंसीडर. हमने कंसीडर किया यहाँ पर ये एक सोर्स है, ये एक सिंक है, यहाँ पर दो रिजर्व दो इंजन काम कर रहे हैं, किसमें, उसमें सीरीज में, सीरीज बोलते हैं इसको, और एक इन थर्ड इंजन काम कर रहे हैं. तो अब देखो Q1 by Q2 is a function of T1 by T2. अभी हमने ऊपर देखा था कि Q1 Q2 किसके फंक्शन है, T1 T2 के. सो जो हमारा इंजन 1 है, इसकी Q1 by Q2 is a function of, इसका फंक्शन होगा, ये फंक्शन होगा T1 का और T2 का. सिमिलरली Q2 by Q3 इट इज अ फंक्शन ऑफ T2 और T3, और Q1 और Q3 इज अ फंक्शन ऑफ, Q1 by Q3 इज अ फंक्शन ऑफ T1 और T3. So Q1 by Q2 को हम क्या ले सकते हैं, Q1 by Q2 को हमने Q3 से डिवाइड किया और यहाँ पे Q3 से डिवाइड कर दिया. अब Q1 by Q3 की वैल्यू क्या होती है, फंक्शन T1 और T3 डिवाइड बाय फंक्शन T2 और T3. इससे ये मालूम पड़ा